बॉलीवुड के गलियारों में इस वक्त हर तरफ एक ही खबर छाई हुई है। जी हाँ, विकी कौशल और कैटरीना कैफ की होने वाली शादी, जिस पर अभी तक इन दोनों में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विकी कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी का इस वक्त रिएक्शन सामने आ रहा है। क्या कुछ हरलीन का कहना है और विकी कौशल और कैटरीना की शादी पर वो खुश है या सैड, चलिए आपको बताती हूँ। हरलीन सेठी को बहुत सारे लोग अब तक टेलीविजन इंडस्ट्री में और फिल्म जगत में जान चुके हैं। उनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज रही है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। इस सीजन में वो नजर आई थी विक्रांत मैसी के साथ और उसके बाद से ही सक्सेस उनके कदमों पर आ गई। इस वक्त वो कई सारी और प्रोजेक्ट्स के लिए भी शूट कर रही है जो की एकता कपूर की प्रोजेक्ट्स है। लेकिन इन सभी चीजों के बीचों बीच हाल ही में उनका एक इनडायरेक्ट रिएक्शन सामने आया है। अब इस रिएक्शन में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरलीन के एक क्लोज फ्रेंड ने इस बारे में बात की है। वो कहते हैं हरलीन अब मूव ऑन कर चुकी हैं, वो अब काम में डूबी हुई हैं। इस वक्त वो एकता कपूर की फिल्म द टेस्ट केस 2 में बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म के लिए एक गाना भी शूट किया है। जब बाकी दोस्त हरलीन से कैटरीना और विकी कौशल के लव अफेयर और उनकी शादी के बारे में बात करते हैं तो इन सभी बातों पर हरलीन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हरलीन कहती हैं कि मुझे अब उस जोन में लेकर मत जाओ, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। सो कहीं ना कहीं आप साफ सुन सकते हैं कि हरलीन जो है वो इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी कहना नहीं चाहती और इनफैक्ट वो विकी और कैटरीना को लेकर किसी भी तरह से कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती हैं। ये माना जाता है कि विकी कौशल और हरलीन सेठी के बीच का जो ब्रेकअप है वो विकी कौशल की सक्सेस के बाद हुआ। चाहे वो संजू जैसी फिल्में हो या फिर उरी जैसी फिल्में, इन दोनों सक्सेसफुल फिल्म्स के बाद इन दोनों के रिश्ते में काफी तनाव आया, जिसके बाद विकी कौशल ने और हरलीन ने म्यूचुअली इस रिश्ते को खत्म कर दिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या कुछ राय है।